CM. पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट CM, कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि MPPSC में तो जनरल तो आपको पता होना ही चाहिए. तो CM होता है रियल एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट. ये हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और रियल एग्जीक्यूटिव भी होता है. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं किसको, हमारे गवर्नर को, क्योंकि उसके पास नॉमिनल पावर्स होती है. रियल पावर जो होती है वो CM में लाए करती है, ठीक है. फिर इसकी मिनिमम एज रिक्वायर्ड हुई 25 ईयर्स. 25 ईयर्स का अगर कोई व्यक्ति है तो वो CM के लिए एलिजिबल होता है. बट ये जो भी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है. दिस एज ऑफ CM इज़ नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान में रखना है. फिर आर्टिकल 164, CM इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर. और ऐसा नहीं कि कोई भी CM अपॉइंट हो जाएगा, CM वही अपॉइंट होगा जो लीडर, जिसके पास मेजॉरिटी है, लीडर हुआ से मेजॉरिटी. फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दी हुई है कि इट कैन प्रूव, CM कैन प्रूव मेजॉरिटी आफ्टर अपॉइंटमेंट. मतलब अपॉइंटमेंट के पहले अगर मेजॉरिटी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट के बाद अगर वो मेजॉरिटी प्रूव कर पा रहा है असेंबली में तो ही कैन बी अ CM, ठीक है. फिर टेन्योर फिक्स नहीं होता. वैसे तो असेंबली की लाइफ 5 ईयर्स होती है, तो उसी हिसाब से CM की लाइफ भी 5 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन तब भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है. अगर डिसोल्यूशन हो जाए या मेजॉरिटी लूज हो जाए या CM डाइज और CM रिजाइंस, तो फिर टेन्योर फिक्स नहीं है कुछ इसका. और ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे भी है कि अगर वो नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, डिसोल्यूशन हो गया, तो 5 साल तक नहीं रहने को मिलेगा, ठीक है. फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है CM का रिलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ क्या होता है, CM का रिलेशन गवर्नर के साथ क्या होता है, CM का रिलेशन असेंबली के साथ क्या होता है. तो देखो CM मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है, ये तो हमें पता ही है. लेट मी चेंज द कलर. CM मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, फिर उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो देता है मिनिस्टर्स को. फिर वो किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोल सकता है अगर वो मिनिस्टर की सोच पार्टी से अलाइन नहीं करती होगी तो. He can tell him to resign. फिर उसके बाद CM का अगर resignation या death हो जाती है तो अपने आप council of minister resolve हो जाते हैं, ठीक है. फिर CM relation with governor, तो CM वो एक कड़ी है जो governor को और इनको जोड़ के रखती है, council of ministers को. ये communicate करते हैं, जो भी चीज़ इनसे आई है वो governor को बताते हैं और एडवाइस करते हैं गवर्नर को अपॉइंटमेंट के लिए बाकी मिनिस्टर्स का. यहाँ पर अपॉइंट किया था ना मिनिस्टर्स को, तो CM ही बोलता है गवर्नर को टू अपॉइंट मिनिस्टर्स, ठीक है. ये नेक्स्ट पॉइंट है. फिर उसके बाद है असेंबली के साथ, तो असेंबली में वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि कब समन करना और कब प्रोरोग करना है सेशन. अब यहाँ पर ये दो शब्द हैं, इनका मीनिंग क्या होता है. समन मतलब होता है टू स्टार्ट, तो अगर कोई सेशन स्टार्ट करना है तो CM गवर्नर को बोलेंगे कि इस तारीख से हम सेशन शुरू कर सकते हैं. जैसे 3 सेशन होते हैं ना, विंटर समर और बजट सेशन. और बजट सेशन तो वो बोलते हैं कि कब शुरू करना है. फिर उसके बाद प्रोरोग मतलब कि कब सेशन को ख़त्म करना है. एंड ऑफ अ सेशन इज़ प्रोरोगेशन, ठीक है. तो ये दो बात हो गई. फिर है आर्टिकल 163. आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लेते हैं. तो आर्टिकल 163 टॉक्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय CM टू एड एंड एडवाइस गवर्नर. मतलब ऐसे कोई आर्टिकल में CM के ऐसे क्वालिफिकेशन या CM का ऐसा कुछ भी टेन्योर या CM का एज ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. बट ये आर्टिकल बोला गया है CM हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, ये दिया हुआ है आर्टिकल 164 के अंदर. फिर है आर्टिकल 163 के अंदर. फिर आर्टिकल 164 में है CM के ना CM अपॉइंट बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंट बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ CM, ठीक है. CM अपॉइंट बाय गवर्नर, ये एक स्टेटमेंट है. अदर मिनिस्टर अपॉइंट बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ CM. फिर मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये हमने पहले देख लिया है. फिर CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली. अब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन आते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है.
यहाँ बता देती हूँ मैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनमें आते हैं पहले अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, और फिर आते हैं कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर्स और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ये सारे होते हैं। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पूरी जो असेंबली होती है, बिकॉज़ यही काम कर रहे हैं, यही सब देख रहे हैं, तो असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। असेंबली के अंदर वो भी होते हैं, अपोजिशन भी होती है, तो पूरी असेंबली के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पार्ट दिया हुआ है 164C में। तो हमने क्या देखा, 164A, 164B, 164C। अब ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ CM। अब हम पढ़ेंगे MP के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये मुझे क्लियर करने दो। तो MP के रिस्पेक्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं ये वाले टॉपिक से, मतलब एक तो मिल ही जाएगा आपको, कोई भी PYQ उठा के देख लो आप। तो क्या पढ़ना है कि व्हाट टू स्टडी, तो हु आर द CM, मतलब पहला CM कौन है, लास्ट CM कौन है, लॉन्गेस्ट CM कौन है, शॉर्टेस्ट CM कौन है, फीमेल CM कौन है, ये सब पूछ लेते हैं। फिर पूछ लेते हैं कि कौन से CM हैं जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं, कौन से CM ऐसे रहे हैं जो सिर्फ लोकसभा के मेंबर रहे हैं, कौन से CM ऐसे रहे हैं जो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ किया हो, कुछ बुक लिखी हो, कुछ स्पेशल टाइम पर हो, तो वो, तो ये तीन पढ़ना है। तो अगर हम ये पढ़ें, जस्ट अ सेकेंड, से उठा के यहाँ रखते हैं। तो अगर अब हम ये पढ़ें तो हमारे, हमें ये बेसिक फैक्ट्स रटे होने चाहिए, ये फैक्ट ही, इसमें कुछ समझने का काम नहीं है। तो बेसिक फैक्ट हमारे रटे होने चाहिए। फर्स्ट CM कौन थे हमारे, बताओ 10 सेकेंड में। फर्स्ट CM थे हमारे रविशंकर शुक्ला, सभी को पता होगा ये, रविशंकर शुक्ला जी थे हमारे फर्स्ट CM, ठीक है, ये फैक्ट ऐसे सट्टे से रखना है। लॉन्गेस्ट CM सबको पता होगा, शिवराज सिंह चौहान, शॉर्टेस्ट सर्विंग CM भी सबको पता होगा, अर्जुन सिंह थे, ठीक है। फिर ऑल एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये CM कब थे, ये CM कब थे, छत्तीसगढ़ डिवीज़न जब हुआ तब कौन CM थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे कौन CM थे, और प्रेसिडेंट रूल जब लगा तब कौन CM थे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है ये ऐसे वाले आना। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे कौन CM थे, बताओ, ये होमवर्क है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे कौन थे वो बताना है, वैसे मैं एंड में बता ही दूँगी। फिर फर्स्ट फीमेल CM उमा भारती थी, उमा भारती, ठीक है। फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी CM तो वो थी जमुना देवी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जमुना देवी थी फर्स्ट फीमेल CM, फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी CM। फिर फर्स्ट 5 CM, इनके नाम आपको लाइन से पता होने चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट 5 CM कौन थे। तो पहले थे रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट थे हमारे रविशंकर शुक्ला जी, दूसरे थे हमारे भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई, फिर थे हमारे थर्ड कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू, फिर फोर्थ थे हमारे द्वारका प्रसाद मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्रा, और फिर फिफ्थ थे हमारे गोविंद नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह। तो आपको पहले 5 तो एकदम कंठस्थ याद रहने चाहिए, हो सके तो टाइम पीरियड भी कर लेना। रविशंकर शुक्ला, भगवत नाम मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्रा, गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा What happened?